Hello everyone, I am your educator Sheena and I welcome you in this video of Career Success. और आज हम बात करेंगे ग्रामर के टॉपिक की. वो टॉपिक क्या होगा? प्रेपोजिशन. ठीक है, आपको पता है क्लास 4 की जो वैकेंसीज आई हैं, इंग्लिश के पोर्शन की मैं बात करूँ, इंग्लिश का पोर्शन 20 मार्क्स का है, राइट? और उसमें क्लियर कट आपके पास मैंशनड है पोर्शन प्रेपोजिशन का. ठीक है, प्रेपोजिशन आपको पढ़ने पड़ेंगे और आपके पास कुछ ऐसे सेंटेंसेस होंगे जैसे मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, और आपको क्या करना है, स्पॉट द एरर करना है. आपको बताना है कि प्रेपोजिशन की गलती एक्चुअली है कहाँ पर. बात करते हैं प्रेपोजिशन. व्हाट इज़ प्रेपोजिशन? इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा चंक है क्या प्रेपोजिशन. देखिए, जब हम नाउन की बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर में, या फिर प्रोनाउन की बात, प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन के बदले यूज़ किए जाते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे. ठीक है, नाउन की जहाँ पर बात हो या प्रोनाउन की जहाँ पर बात हो एक सेंटेंस में, तो प्रेपोजिशन का काम क्या है? प्रेपोजिशन का काम है उस नाउन या प्रोनाउन से पहले लगकर पूरे सेंटेंस के साथ इसका रिलेशन बताना. जैसे एक सेंटेंस में आपको बताऊँ, वी वॉन्ट अ रूफ ओवर अस, हम अपने सर पर एक छत चाहते हैं. ठीक है, रूफ, रूफ किसे कहते हैं? छत को. इसके बाद बात हुई ओवर. ठीक है, रूफ एक नाउन है, ओवर अस. ये जो ओवर है ये क्या है? ये प्रेपोजिशन है. क्यों? क्योंकि इसने बताया कि हमें रूफ कहाँ चाहिए, हमारे सर पर हमें एक छत चाहिए. तो ओवर इसमें प्रेपोजिशन का काम करेगा. जैसे एक सिंपल सा सेंटेंस बताऊं, द बैग वॉज अंडर द टेबल. ठीक है, द कैट इज ऑन द बेड. तो इसमें ऑन क्या हुआ या फिर अंडर क्या हुआ? प्रेपोजिशन हुआ, क्योंकि सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन से पहले लगकर ये क्या करते हैं, रिलेशन बताते हैं उस नाउन का बाकी सेंटेंस के साथ. अब एग्जामिनर क्या करेगा, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, तो आप फटाफट ये वीडियो पॉज कीजिए और इनका आंसर मुझे फटाफट से दीजिए. आप कमेंट सेक्शन में फटाफट से आंसर लिख लीजिए 1, 2, 3, 4 करके, सो दैट हमारे लिए आंसर्स ढूंढना इजी हो कि किसने करेक्ट दिया है और किसने रॉन्ग आंसर्स दिए हैं. आई होप आपने लिख लिए होंगे आंसर्स. तो बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ये फ़ोन नंबर जो आप देख रहे हैं 9419145317 करियर सक्सेस के ऑफिस का फ़ोन नंबर है. ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट हुए हैं जेके एसएसबी क्लास 4, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, या फिर जेके बैंक पीओ, या फिर बैंकिंग एसोसिएट की बात करूं उनके लिए. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन बैचेस, जहां पर हम ये सब वीडियो ऑनलाइन बैचेस हैं, हम सब वीडियोस के थ्रू आपके पास कॉन्टेंट पहुँचाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो आप कॉल कीजिए इस नंबर पर और आप बात कर सकते हैं ऑफिस पर. ठीक है, देखिए प्रैक्टिस सेट है प्रेपोजिशन में. पहला क्वेश्चन है, ही टुक लीव ऑफ 4 डेज, नो एरर. आपको बताना है गलती कहाँ है. अगर नहीं है गलती तो ऑप्शन नंबर डी आपको आंसर में लिखना है. ही टुक लीव ऑफ 4 डेज, उसने 4 दिन की छुट्टी ली. इसमें प्रेपोजिशन ये लगा यहाँ पर ऑफ. ठीक है, लीव ऑफ 4 डेज नहीं कहते, लीव फॉर 4 डेज होता है. ठीक है, ही टुक लीव फॉर 4 डेज, 4 दिन की उसने छुट्टी ली. तो किस पोर्शन में गलती थी? बी में. नेक्स्ट की बात करते हैं, चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स. लिसन के साथ हमेशा टू आता है, लिसन टू द एडवाइस ऑफ एल्डर्स. तो गलती कहाँ थी? ऑप्शन नंबर बी में. आपको इसी तरह जो है प्रेपोजिशन जो है टिप्स पर हो जाना चाहिए, ताकि आप फटाफट से गलती इसमें ढूंढ सको. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबडी डिनाइज. डिनाइज का क्या मतलब होता है? न मानना. ठीक है, डिनाई करना मतलब जब आपके साथ कोई अग्री ना करे तो वो डिनाई करेगा. नोबडी डिनाइज दैट माई आइडियाज आर डिफरेंट दैन योर्स. बताना है गलती कहाँ है. देन जो यहाँ पर यूज हुआ है, इसकी जगह क्या यूज होगा? फ्रॉम. नोबडी डिनाइज दैट माई आइडियाज आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स. तो किसमें गलती थी? ऑप्शन नंबर सी में. नेक्स्ट की बात करते हैं, ही वॉज इन द किचन वेन द गून्स. ये गून्स का मतलब होता है गुंडे. क्या कहते हैं? बर्गलर्स जैसे हैं गून्स, थीव्स. एंटर्ड इन टू हिज हाउस. ठीक है, वो किचन में था जब उसके घर में गुंडे घुस आए. तो इन टू जो है गलत है यहाँ पर. क्यों? क्योंकि जब एंटर्ड है तो उसके साथ इन टू लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. ही वॉज इन द किचन वेन द गून्स एंटर्ड हिज हाउस. अब ये सेंटेंस करेक्ट है.
फिफ्थ की बात करते हैं, आर टीचर शीरीन, ठीक है, शीरीन आपकी टीचर का नाम है, एम्फेसाइज, जोर दिया ऑन द यूज ऑफ करेक्ट ग्रामर, ऑन द यूज ऑफ करेक्ट ग्रामर. अब आपको बता दूं, एम्फेसाइज के साथ ऑन यूज नहीं होता, तो कैसे हो जाएगा सेंटेंस करेक्ट? आर टीचर शीरीन एम्फेसाइज द यूज ऑफ करेक्ट ग्रामर. तो ऑप्शन नंबर बी में है जो गलती छुपी हुई थी. ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, ऑन द टाइम ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द होटल अ लार्ज क्राउड हैड असेंबल्ड. ठीक है, ऑन द टाइम, ठीक है, ऑन द टाइम नहीं, एट द टाइम, एट द टाइम ऑफ ओपनिंग सेरेमनी. तो ऑप्शन नंबर ए में ही गलती छुपी थी. बात कर रहे हैं हम प्रेपोजिशन की, याद रखिएगा प्रेपोजिशन के बेसिस पे जो गलतियां होंगी वो इसमें कवर हुई हैं. व्हाइल सार्थक वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल अ मैन अटैक्ड ऑन हिम विद अ स्वॉर्ड. स्वॉर्ड का क्या मतलब है? तलवार. ठीक है, तो व्हाइल सार्थक वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, अब आपको इसमें गलती दिख रही होगी. अब आपको ये बता दूं कि इसमें आपको एग्जामिनर एक और तरीके से गलती दे सकता है. एक तो प्रेपोजिशन से देगा, अगर वो यहां पर लिख दे बैक, ठीक है, व्हाइल सार्थक वॉज रिटर्निंग बैक फ्रॉम स्कूल अ मैन अटैक्ड ऑन हिम विद अ स्वॉर्ड, एक तलवार से सार्थक पर हमला हुआ जब वो स्कूल से वापस आ रहा था. अब आप देखेंगे रिटर्निंग बैक फ्रॉम स्कूल, ये सुपरफ्लुअस है. क्या है? आपको बता दूं, ये सुपरफ्लुअस है. सुपरफ्लुअस का मतलब होता है जब आप एक अर्थ को, एक मीनिंग को एक से ज्यादा वर्ड्स में या जरूरत से ज्यादा वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हैं, वो सुपरफ्लुअस कहलाता है. जैसे रिटर्निंग बैक, रिटर्न का तो मतलब ही है ना कि आप वापस आ रहे हैं, तो ये बैक यूज नहीं होगा. एग्जामिनर ये करेगा, वो आपको ऐसे सेंटेंस देगा, व्हाइल एक्स वाई जी कोई भी वॉज रिटर्निंग बैक फ्रॉम स्कूल अ मैन अटैक्ड हिम ऑन विद अ स्वॉर्ड. ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर? बैक नहीं आएगा. लेकिन इस सेंटेंस में ऐसा कुछ नहीं दिया था, इसमें आपको सिंपल दिया था रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल अ मैन अटैक्ड ऑन हिम विद अ स्वॉर्ड. देखने में तो कोई गलती नहीं लग रही है, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऑन जो है ये यूज नहीं होगा. ठीक है, अ मैन अटैक्ड हिम विद अ स्वॉर्ड, ये राइट हो जाएगा. तो ऑप्शन नंबर सी में जो थी वो इसमें गलती छुपी हुई थी. राइट, आई होप आपको ये आंसर समझ आए होंगे. चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस प्रेपोजिशंस पे. एट क्वेश्चन है, मुज्तबा इज बिजी इन हिज वर्क फॉर द प्रेजेंटेशन. ठीक है, मुज्तबा नाम से एक लड़का है, वो बिजी है अपने काम के साथ प्रेजेंटेशन बनाने में. ठीक है, अब आप देखेंगे प्रेपोजिशन कहाँ यूज हुआ है. मुज्तबा इज बिजी इन हिज वर्क, मुज्तबा का रिलेशन बताया है उसके काम के साथ, इन हिज वर्क फॉर द प्रेजेंटेशन. ठीक है, मुज्तबा इज बिजी इन की जगह आएगा विद, मुज्तबा इज बिजी विद हिज वर्क फॉर द प्रेजेंटेशन. तो गलती किस पोर्शन में छुपी हुई थी, आपको देखना है कि ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट की बात करते हैं, आई प्रेफर जॉगिंग देन स्विमिंग. ठीक है, या फिर नो एरर, मैं प्रेफर करती हूँ जॉगिंग स्विमिंग से, यही कहने का मतलब है. पर इंग्लिश में जब आप यूज करते हैं तो प्रेपोजिशन की गलती कहाँ छुपी होती है? यहाँ. याद रखिए प्रेफर के साथ हमेशा क्या यूज होगा? ओवर या फिर टू. आई प्रेफर जॉगिंग टू स्विमिंग या फिर आई प्रेफर जॉगिंग ओवर स्विमिंग. तो गलती किस पोर्शन में छुपी हुई है? बी पोर्शन में, देन इसमें यूज नहीं होगा. नेक्स्ट देखिए, व्हाइल क्रॉसिंग द बिजी रोड एन ओल्ड मैन वॉज रन आउट बाय अ बस, या फिर नो एरर, क्रॉस करते समय एक बूढ़ा आदमी रन आउट कर गया बस से, यही कहने का मतलब है. पर रन आउट का क्या मतलब होता है? रन आउट होता है जब आपके, एक तो इसका क्रिकेट सेंस में है मतलब, राइट, बॉयज जो क्रिकेट फॉलोअर्स जो है उनको पता होगा रन आउट होना, बट उस सेंस में यहाँ यूज नहीं किया गया. रन आउट का इंग्लिश में एक फ्रेजल वर्ब है,
और क्या होता है इसका मतलब, रन आउट मतलब जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, राइट। फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री में पेट्रोलियम ख़त्म हो रहा है, वी आर रनिंग आउट ऑफ आर पेट्रोलियम रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल। या फिर अफ्रीका की किसी कंट्री में पानी ख़त्म हो गया है, तो द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज़ रनिंग आउट ऑफ वाटर, ठीक है। रनिंग आउट का मतलब होता है कमी होना, क्या होना, स्कार्सिटी होना, दैट इज रनिंग आउट। बट यहाँ पर कहने का मतलब है कि वो बूढ़ा आदमी क्या हो गया, बस के व्हील्स के नीचे आ गया, यही कहने का मतलब है। तो यहाँ पर रन आउट यूज नहीं होगा, क्या होगा, रन ओवर बाय अ बस। रन ओवर का मतलब है कुचल दिया जाना, ठीक है, तो रन ओवर इसमें ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, शी वॉज एंग्री ऑन मी बिकॉज। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन सेज She was angry on me because I had not invited her to the party. वो मेरे से गुस्सा थी क्योंकि मैंने उसे पार्टी में इन्वाइट नहीं किया था, ठीक है। तो angry on me, on इसमें preposition है, on इसमें preposition है, क्यों, क्योंकि इसमें बता रहा है कि जो she थी वो angry थी me से, ठीक है। तो this is a preposition जो आपको relation बताता है किसी noun या pronoun, she इसमें pronoun है और me के साथ यहाँ पर इसका relation बता रहा है। तो आपको बता दूं, एंग्री ऑन नहीं आता, जो ये एंग्री है वर्ड, इस एंग्री के साथ में अगर आपको बताऊं तो दो चीजें यूज होती हैं, एक होता है एंग्री विद, एक होता है एंग्री एट, ठीक है। तो शी वॉज एंग्री विद मी आएगा यहां पर, क्योंकि मी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, थोड़ा क्लियरली आपको बता दूं, एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का रिलेशन बता रहा है इससे, सब्जेक्ट से, राइट। तो मी अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब एंग्री के बाद अगर आपको ऑब्जेक्ट बताना है तो आप बताएंगे शी वॉज एंग्री विद मी। तो गलती कहाँ पर छुपी थी, एंग्री ऑन नहीं आएगा, एंग्री विद मी आएगा, तो गलती थी इसके ऑप्शन नंबर ए में, राइट। तो एंग्री एट होता है जब कोई ऑब्जेक्ट अगर आपको आगे दिया है, तो शी वॉज एंग्री एट दैट बॉय, ठीक है, किसी पर गुस्सा होना और किसी से गुस्सा होना, एंग्री विद मी, और एंग्री होगी किसी बात पर तो एंग्री एट मी, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए में गलती थी। देन द लास्ट इज दे डिस्क्राइब्ड अबाउट द इंसिडेंट इन अ वेरी अम्यूजिंग वे। अम्यूजिंग का क्या मतलब होता है, फनी, जिससे आपको क्या मिले, काइंड ऑफ फन जिसमें हो, थोड़ा हंसी मजाक तरीके में बताना। दे डिस्क्राइब्ड अबाउट द इंसिडेंट इन अ वेरी अम्यूजिंग वे। तो डिस्क्राइब्ड होता है एक्सप्लेन करना, तो ये अबाउट यहाँ पर यूज नहीं होगा, तो गलती कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। वाई, बिकॉज दे डिस्क्राइब्ड द इंसिडेंट होगा, डिस्क्राइब्ड अबाउट द इंसिडेंट नहीं होगा, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, राइट। इसके आंसर्स मैं कॉमेंट बॉक्स में चेक करूंगी कितने स्टूडेंट्स ने राइट दिए हैं, ओके। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।